वो तो विधाता ने जो लिखा है वो तो होना ही है। विधाता ने जो लिखा है वो तो होना ही है, अनुराधा बोल रही है, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ चेंज ला सकते हैं अपनी मैम लाइफ कैन यू में। हियर मी? वो यस यस अनुराधा, यस ठीक है। जी मैम जी। रीवा कुछ और बोलना चाह रही। हाँ बेसिकली हाँ हम अनुराधा ये फॉलो कंटिन्यू। करके पॉजिटिव, कंटिन्यू अनुराधा कंटिन्यू। बेसिकली मैम ये जो अगर साइंसेस हैं इन्हें फॉलो करके हम अनुराधा की आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं। बेसिकली सॉरी अनुराधा, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, तो मैं रेवा की तरफ जाऊंगी। रेवा आप कुछ फॉलो बोलना चाहती हैं? मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी या लाइफ को न्यूमरोलॉजी पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी डिस्टर्ब की तरफ डिस्टर्ब। हेलो एवरीवन। हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में जो हमें डेट, हमें जो डेट है एक नंबर है, वो गॉड गिफ्टेड हमें मिलते हैं। मतलब कि हम जिस चीज में भी जाएं, अगर हम ट्रेवलिंग करते हैं सीट नंबर मिलता है, हॉस्पिटल में जाएं तो हमें बेड नंबर मिलता है। मतलब कि जिस वे में बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे रोल नंबर मिलता है। मतलब हर वे में, मतलब कि लाइफ में जब हम इस यहाँ पर जन्म लेते हैं तो एक नंबर का गेम स्टार्ट हो जाता है। उस नंबर के ही जो है उसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, हर एक नंबर के एट्रीब्यूट्स प्लैनेट्स के अलग साथ साथ चलते हैं। मगर हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमारे एक ये है कि हम एक पाथ दिखाते हैं, हम उसको पाथ को देख करके कुछ रेमेडीज को करके उसके अकॉर्डिंग हम चलकर अपनी लाइफ में बहुत स्मूथनेस ला सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। आई थिंक ये कोई गौरव करके 5346904, ये आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ बोलना चाहती हैं बोलिए जरूर। हाँ जी एक्चुअली मेरा नाम सीमा है। हाँ सीमा बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चेंज कुछ भी नहीं होता है, पर एक वे मिल जाता है डिफिकल्ट चीजों को इजी करने का, और जो लाइफ में अच्छा होने वाला है उसको थोड़ा सा और स्मूथली आसानी से हम लोग पा सके। चेंज तो कुछ नहीं हो सकता, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पर चीजों को स्मूथ बना सकते हैं। चीजों को स्मूथ बना सकते हैं, वेरी गुड। यहाँ पर सबने अपने अपने व्यूज लिखे, सॉरी बोले कि हम क्या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। आज का टॉपिक न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो मैं न्यूमरोलॉजी ही यूज करूंगी। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो है हम चेंज कर सकते हैं या नहीं, मैं ये बोलती हूँ। मेरा जो, अगर आपने टैग लाइन कहीं पढ़ी हो तो मैंने लिखा है, ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। ठीक है, देखिए जो बीत चुका है उसको तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, वो तो चला गया, वो पास्ट है। ठीक है, हम अपने प्रेजेंट को देख सकते हैं या हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये जो प्लान करना है, अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिकली चल के, उस जैसे कि रेवा ने कहा, उस पाथ पे चल के अगर आप प्लान करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा चलते हैं, तो जो ईश्वर ने लिखा है उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन जरूर ला सकते हैं अपनी लाइफ। आप लोगों को एक स्टोरी पता है कि जो एक व्यक्ति था जिसने कहा था, जिसके बिल्कुल भी हाथ में कोई लकीर नहीं थी, उसको किसी ने कहा था तेरा भाग्य जो है वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ है ही नहीं, तेरी लाइन ही नहीं है, ग्रोथ की लाइन नहीं है तेरी, किसी पामिस्ट ने उसको बोला। तो उसने जो है चाकू से अपनी लाइनें बनाई कि कौन सी लाइन होती है ग्रोथ की, कौन सी लाइन, यानी कि आपकी जो विल पावर है, आपका जो विश्वास है, और साथ में अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो यस आप अपना भाग्य भी किसी हद तक चेंज कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा विश्वास। अगर हम विश्वास, कुछ लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि देखते हैं, चेक करते हैं, मैम आपको भी चेक करते हैं, शायद आप कुछ कर दें। मैं बोलती हूँ आपका कुछ नहीं होने वाला, जब आप चेक करते हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अगर मेरे पास आए हो तो सबसे पहले
अपने ईश्वर पे भरोसा रखो जिसने शायद आपको मेरे पास भेजा है। दूसरी बात, आप मेरे पे भरोसा रखो और मेरे से पहले अपने पे भरोसा रखो कि जो हम कहेंगे आप पूरे विश्वास के साथ करोगे, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में चेंज आता है कि नहीं आता। अब ये तो हो गई क्लाइंट्स की बात। बात ये है कि आप लोग घर में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई न्यूमरोलॉजी का कोर्स करता हो, लेकिन आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इट मीन्स कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, या फिर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, है ना? तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ जानने के लिए आए हैं तो इट मीन्स आज का वेबिनार कुछ तो गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताने जा रही हूं वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो है वो कुछ ना कुछ चेंज जरूर ले आएगा। आज जो मेरा वेबिनार करने का मकसद ये है कि काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा कि मैम कुछ लोग पढ़ाते हैं कॉम्बिनेशन ये एंटी हैं और कुछ लोग पढ़ाते हैं कि कुछ और एंटी हैं। तो मुझे बड़ा इस चीज का अफसोस हुआ कि हमारे एक पूरे इंडिया में ही अगर ले लीजिए तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हजारों न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और सब अलग अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं। सबका ढंग अलग अलग है और सबका ढंग अच्छा होगा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं, ये ठीक है या ये ठीक है, इस न्यूमरोलॉजिस्ट की बात माने या इस न्यूमरोलॉजिस्ट की बात माने, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप किसको सही माने किसको गलत माने, इसका फैसला आज थोड़ा सा ये न्यूमरोलॉजी का जो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूं, इससे आपको थोड़ा सा अपना ये नॉलेज जरूर हो जाएगी कि आप खुद सोच सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, तो आपको डेली रूटीन में अपनी न्यूमरोलॉजी को हमेशा यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे आप बन जाएं कि न्यूमरोलॉजी के सिवा, नंबर्स के सिवा कुछ सोचे ही नहीं और अपने काम ही करने मुश्किल कर दे, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो न्यूमरोलॉजिकली अगर आप नंबर्स को लेकर आगे चलते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। आज जो मैं बात करने जा रही हूं वो है कुछ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशंस होते क्या है सबसे पहले मैं ये बताऊंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, आपका जो पहला डेट होती है, मान लीजिए कोई किसी मंथ की 23rd को बॉर्न हुआ है तो 23rd उसका पहला वो हो गया, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में हिंदी में मूलांक और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो साइकिक नंबर, लीडिंग नंबर, आपका ड्राइवर नंबर, जो भी आप कह लीजिए ये सब होता है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या क्या है आपको सबको मालूम होगा, सब टोटल कर लीजिए, जैसे कि 2 + 3 = 5 हो गया, तो सिंगल डिजिट नंबर में आप अपना टोटल लेकर आए। अब एक होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर, इन तीन को जब प्लस कर दिया जाता है तो एक टोटल आता है, वो टोटल कोई भी हो सकता है, उसको भी प्लस कर कर सिंगल डिजिट में ले आइए, क्योंकि प्लैनेट्स तो हमारे पास 9 ही हैं, प्लैनेट्स तो हमारे पास 9 ही हैं, इसलिए सिंगल डिजिट में दोनों नंबर्स को आप लोग ले आइए। अब मेरे पास जो सबसे ज्यादा क्लाइंट है ना वो 4 नंबर के हैं। राहु सबको बहुत तंग करता है, सारे लोग बोलते हैं मैम 4 नंबर है ना, 8 नंबर है ना, ये बहुत तंग करता है। मगर तंग करता है तो उसको ठीक करना, उसके साथ चलना आना चाहिए, क्योंकि डेट तो आपको मिल चुकी है, वो तो ईश्वर ने दी है, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसके साथ कैसे चलना है। आज मैं जो थोड़े से कॉम्बिनेशंस आप लोगों को बताने जा रही हूं और आपको ये थोड़ा सा सिखाने जा रही हूं कि कॉम्बिनेशंस को आप लोग रीड कैसे करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्योंकि किंग नंबर को, सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य सारे प्लैनेट्स का राजा है, सब मानते हैं इस बात को। एक दिन अगर सनलाइट ना हो हम लोग कितने परेशान, आजकल कितनी ठंड है नॉर्थ में, और जिस दिन जो है सन नहीं निकलता उस दिन हम इतने परेशान हो जाते हैं, आज धूप नहीं आई, आज और सर्दी बढ़ गई है, तो सन की तो वैल्यू बहुत है।
हम लोग बोलते हैं ऐसा घर लो जहां पर सनलाइट बहुत अच्छी आए, हमेशा हम लोग बोलते हैं। तो जो नंबर वन है उसके साथ राहु आ जाता है। ये क्वेश्चन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो अलग अलग वेबिनार इकट्ठा करके अटेंड करके आए, उन लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम कुछ लोग 1 एंड 4 या 4 एंड 1 का कॉम्बिनेशन अगर हो उसको सही बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये एंटी है। एंटी होने का रीजन क्या बताते हैं कि क्योंकि सूर्य को राहु जब ग्रहण लगा देता है तो उस दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है ना, तो इसलिए जो है वो ये एंटी है। अब सूर्य को ग्रहण कैसे लगता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में बिल्कुल उसके सामने कोई ग्रह आ जाए तो सूर्य की रोशनी जो है वो अर्थ के जिस पोर्शन पे नहीं पड़ेगी उसको ग्रहण लग जाएगा, इसी चीज को ग्रहण कहते हैं। अब इसमें जो है वो राहु कहां से आ गया, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं क्योंकि ये स्टोरी है पूरी कि सूर्य को ग्रहण लगा, राहु का जब सिर काटा गया तो वो सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह थे जिन्होंने विष्णु भगवान को जाकर बताया था कि ये जो है इसने ये राक्षस है, ये जो है वो देवता नहीं है, तो उन्होंने उसका सिर काटा था। इसी से स्टोरी बन गई कि वो दुश्मन है सूर्य और चंद्रमा का। लेकिन आप लोग ये बताइए कि 1 एंड 4 को हम कैसे रीड करेंगे। आज मैं जो आपको रीडिंग सिखाने जा रही हूं कि नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है, तो आज के बाद आप लोग एंटी कॉम्बिनेशन है या कोई कॉम्बिनेशन है आप लोगों को परेशानी नहीं। 1 जो है वो सन है और 4 नंबर जो है वो राहु है। सन क्या है, एक राजा क्वालिटी है। राजा क्या है, जो लीडर है, जो सबको साथ में लेकर चलता है, उसको अपना पूरा किंगडम देखना है ना। तो यही क्वालिटीज एक नंबर वन में आपको देखने को मिलेंगी। और राहु क्या है, राहु जो है वो एक दबंग है। वो ऐसा है जो बहुत प्लानिंग, बहुत प्लॉटिंग, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड लेकर, उसको कोई ठग नहीं सकता, वो बहुत सोच समझ के काम करने वाला है। उसकी बड़ी खूबसूरत एक ये वो है कि वो किसी के अंडर आकर काम नहीं कर सकता, वो दबंग बंदा है, वो जो करेगा अपने मन से करेगा। और राहु क्या करता है, सूर्य क्या है, वो कहता है मैं तो सबका राजा हूं, तो ये दबंग मेरे आगे क्या चीज है, मैं चाहूं तो इससे भी काम करवा सकता हूं। राहु कहता है कि सूर्य के राजा मैं आपका काम तो करूंगा लेकिन मैं करूंगा अपने तरीके से, मैं आपके अंडर रह के काम नहीं करूंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस कैसे नंबर्स को रीड करते हैं, यानी कि हर नंबर की अगर क्वालिटी आपको पता है तो आप उस नंबर के ये बता सकते हैं कि ये एंटी होगा या फिर ये एंटी नहीं होगा। अब दो ऐसे ग्रह पावरफुल, राहु भी पावरफुल है और सन भी पावरफुल, दो ऐसे ग्रह जब आपस में मिलेंगे तो वो पर्सन कैसा होगा सोच के देखो, कितना जिद्दी होगा, कितना स्टबन होगा। वो वैसा होगा जो लीडर तो होगा लेकिन सबको अपने हिसाब से चलाने वाला होगा। वो कहेगा कि जो मैं कहूं वो आपने करना है, जो मैं चाहूं वही आपने करना है, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मेरे ग्रुप से आउट हो जाओ। ठीक है, एक ऐसा पर्सन उसको झेलना कितना मुश्किल है। ठीक, अब एक ऐसा पर्सन जो है जब वो इतना जिद्दी होता है, जो अपने हिसाब से काम चलता है, जब वो ऑफिस में जाएगा तो हो सकता है उसके ज्यादा दोस्त ना हो, क्योंकि वो कहेंगे ये तो बड़ा ही जिद्दी और बड़ा ही एरोगेंट टाइप का बंदा है, अपने हिसाब से चलने वाला है, तो बहुत ज्यादा लोग उसको शायद लाइक ना करें, क्योंकि वो अपनी ही प्लानिंग अपने बॉस की भी नहीं सुनता, तो हो सकता है उसकी प्रमोशंस भी कम हो, ये चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे पर्सन को करना क्या चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर ही नहीं सकता। तो ऐसे पर्सन को ये सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा काम है जो मेरे लिए बना है और मैं वो करूं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं और हमारे सामने
ऐसे क्लाइंट आते हैं तो हम उनको क्या गाइडेंस देते हैं? तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर वन और नंबर फोर, इसको हम कौन सा ऐसा काम बताएं जो ये खुद करे तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली। अब यहां से गेम चेंजर शुरू होता है कि किसी के अंडर ऐसा पर्सन काम नहीं कर सकता, तो अब हम उसको जो है क्या बताएंगे। यहां पर हमें करियर के बारे में मालूम होना चाहिए, यानी कि यहां पर शुरू होती है बिजनेस न्यूमरोलॉजी, जिसमें एक एक करियर के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से नंबर्स का क्या करियर होना चाहिए। तो हम नंबर फोर वाले को जो कहते हैं कि टेक्निकल लाइन में जो है नंबर फोर बेस्ट है, आज की दुनिया में टेक्निकल काफी लोग हो गए हैं, हर चीज ऑनलाइन, आज हम लोग भी जूम पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का रोल है, इसके बिना हम टेक्निकल लाइन में कामयाब नहीं हो सकते। और नंबर वन है तो वो तो हर काम कर सकता है, उसको तो वो तो राजा है, आप उसके सामने जो मर्जी काम रख दीजिए वो कर लेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करो, आप अपने क्लाइंट्स बनाओ, आप ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपका होल्ड हो, आपके अंडर लोग काम करें, ठीक है। तो ये है वन एंड फोर की खूबसूरती, उसी की लाइफ को उसी के हिसाब से सेट करके उसी की लाइन में आगे बढ़ा देना। और भी बहुत से काम है, अब ये थोड़ा ना कि किसी को कोई ऑनलाइन काम कर ही नहीं सकता तो क्या नंबर फोर वाला और क्या करेगा, तो बहुत सारे काम है। ये तो हम जब काउंसलिंग करते हैं तब हम उसकी क्वालिटीज पूछते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, देन हम उसको डिसाइड करते। एक और कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको मैं कहती हूं कि ये मोस्ट एंटी नंबर होता है, वो है 9 और 4। आज मैं आप लोगों को कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो ये एंटी कॉम्बिनेशन है, कम से कम नंबर फोर वाले या फिर जिन कॉम्बिनेशन नंबर 9 वाले, कम से कम वो यूज नहीं करेंगे, उन डेज को यूज नहीं करेंगे, उन मंथ्स को यूज नहीं करेंगे कोई नया काम करने के लिए, कम से कम ये चीजें जरूर आप लोग करेंगे आज के बाद। 9 और 4 को क्यों इतना एंटी माना जाता है? राहु की क्वालिटीज तो मैंने अभी बताई, राहु की क्वालिटीज मैंने जस्ट अभी बताई आप, और 9 नंबर जो होता है वो है मंगल, मार्स, सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट, जो किसी की नहीं सुनता, वो सुनेगा तो सिर्फ राजा की सुनेगा, हनुमान जी की क्वालिटीज हैं, सिर्फ राजा राम की सुनेंगे, उसके अलावा तो जिंदगी में वो ना किसी से डरते हैं ना किसी की सुनते हैं, ठीक है ना। तो अब जब राहु आएगा उनके सामने, यानी कि एक राक्षस आया, तो हनुमान जी ने राक्षसों का क्या हाल किया था, पूरी लंका जला दी थी। तो वो फायर है कि आप सामने आएंगे तो आपको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट एंटी नंबर, और ये नंबर वाले जितने भी पर्संस होते हैं उनको मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि आप लोग पूरा अपना ध्यान रखिए, पूरी रेमेडीज करिए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन नंबर होता है राहु जो है, वो बहुत ज्यादा कट लगवाना, एक्सीडेंट, छोटे मोटे कुछ करना, ये जो है 9 के साथ मिलकर ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और अच्छा चलिए, सब लोग मेरे को जो है वो चैट पे लिख रहे हैं कि मैम ये कॉम्बिनेशन, जो लिखेगा उसका जरूर बताऊंगी मैं। सबसे पहले सीमा ने मेरे से पूछा, मैम 1-7 का कॉम्बिनेशन, चलिए सीमा मैं बताती हूँ 1-7, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। 1-7 मींस 17, 17 बॉर्न जो होता है ना वो भी 1-7, ठीक है ना। तो मोदी जी का एग्जांपल इससे बड़ा क्या होगा, आप अगर 1-7 के हैं तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ में राजयोग आफ्टर 40 लिखा हुआ है, शुरू में नहीं, सचमुच आपकी लाइफ में राजयोग। सीमा बहुत खुश है, बहुत बड़ी मुस्कान आई उसके चेहरे पे। सीमा सर, अब मैं आप लोगों को यहां से एक और चीज बताती हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, जैसे सीमा ने 1-7 बोला, ऐसे आप लोग जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो मैलिफिक होते हैं और कुछ होते हैं बेनिफिक होते हैं।
यानी कि बेनिफिक कौन से होते हैं, जो एक देवता प्लैनेट्स है, और मेलिफिक कौन से होते हैं, जिसको हम थोड़ा सा उग्र या फिर हम थोड़ा सा कहते हैं राक्षस ग्रह है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए कि मेलिफिक कौन से हैं और बेनिफिक कौन से हैं। तो हम जब बेनिफिक की बात करते हैं, जो देवता ग्रह हैं वो है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फाइव, नंबर सिक्स को जरा अलग कर दीजिए, नंबर सिक्स नहीं अभी इसको अलग करती हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है वो मेलिफिक बेनिफिक है, देवता ग्रह। अब जब हम मेलिफिक ग्रह की बात करते हैं तो उसमें आता है नंबर फोर, नंबर सेवन, नंबर एट और नंबर नाइन, जबकि देवता है वो, हनुमान जी देवता है लेकिन उग्र बहुत है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है अगर एंटी के साथ आ जाए। नंबर सिक्स को हम कहते हैं ये एक सॉफ्ट राक्षस ग्रह होते हुए भी एक सॉफ्ट ग्रह है, ये सोमे है, फैमिली पर्सन होते हैं, तो इसको इसलिए हम मेलिफिक के बजाय उठाकर हम कहां रख देते हैं, इसको बेनिफिक में रख देते हैं। अब अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन बेनिफिक और बेनिफिक है, देवता और देवता ग्रह का है, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाली, हर्डल्स आएंगी बहुत मामूली सी आएंगी, कब चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगी, अप्स डाउन तो हर एक की लाइफ में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन मेलिफिक और मेलिफिक है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स ज्यादा लिखी हुई, इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा अपने हिसाब से बहुत कुछ, लेकिन लाइफ में हार्डवर्क होगा, लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी। अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन मेलिफिक प्लस बेनिफिक है, जैसे कि अभी सीमा का है 1+7, तो आपको जो चीजें मिलेंगी वो आफ्टर 35, आफ्टर 40, आपने कुछ लाइफ में स्ट्रगल देखनी है, उसके बाद आपको राजयोग भी आना है। अब एक कॉम्बिनेशन 1-8, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये तो बिल्कुल ही एंटी कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है कि नंबर वन जो है वो तो सूर्य है और नंबर एट जो है वो तो शनि है, और ये पिता और पुत्र तो आपस में दुश्मन है, तो हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई। ऐसे कैसे लाइफ खराब हो गई, सूर्य से रूल कर रहे हो, बड़ा ही पावरफुल नंबर है, तो वो क्वालिटीज तो आप में आनी आनी, और इधर से शनि, शनि जो है जस्टिस का नंबर है, शनि इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है कि आपको जिंदगी में बहुत कुछ, आपको मनी, आपको प्रॉपर्टी, हम सिर्फ स्ट्रगल पे अटके रह जाते हैं कि लाइफ में शनि आ गया, ओहो अब तो बहुत स्ट्रगल आने वाली है, अब 1-8 का कॉम्बिनेशन है, इसने तो हमें रुला देना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जो नंबर एट है वो एक पावरफुल नंबर है, मेलिफिक है, लाइफ में स्ट्रगल लेकर भी आएगा, लेकिन हार्डवर्क करने से डरिए मत, उसको लेकर चलिए तो पैसा भी वही दिलवाएगा, प्रॉपर्टी भी वही दिलवाएगा, सब कुछ वही दिलवाएगा, आप उसको साथ में लेकर चलिए। लेकर कैसे चलना है, मैं कह तो देती हूं। अब एक ने अभी मेरे से पूछा है कि मैम 8-8 का कॉम्बिनेशन, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप 8 हैं तो 100% प्रॉपर्टीज आपके नाम पर होंगी, पैसे की कमी आपको कभी नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, तो स्ट्रगल क्या है, शनि कहता है पसीना बहाओ और पसीने की बूंद जो है जमीन पे गिर जाए अगर, तो मान के चलिए कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ये शनि कहता है। तो अगर आप नंबर 8-8 के हैं तो बस आपको एक हम रूल अपनाना है कि आपने बहुत सारी मेहनत करनी है, मेहनत से घबराना नहीं है, फिर देखिए कितने फायदे आपको मिलते हैं। एक्चुअल लाइफ में जब थपेड़े पड़ते हैं वो किसको पड़ते हैं, एक कार्मिक लॉ होता है कि अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है तो इट मींस आप अपने कर्मों का अकाउंट पिछले जन्म में पूरा करके आए हैं, तो इस लाइफ में बड़े स्मूथ लाइफ जी रहे हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन हम थपेड़े सहन करके आ चुके होते हैं। और जिन लोगों की लाइफ इस जन्म में जो आपको स्ट्रगल मिल रही है, तो खुश हो जाइए, उसका सामना कीजिए, उसके साथ रहना सीखिए, हाँ कुछ रेमेडीज कीजिए, कुछ अच्छे अपने नंबर्स को लेकर चलिए, लेकिन आप लोग जो हैं वो खुश नसीब हैं क्योंकि आपको आगे जाकर बहुत कुछ मिलने वाला है। अब लोग कहते हैं हमने अगला जन्म कहाँ देखा, तो पिछले जन्म में भी तो कुछ करके आए थे, तभी तो ये जन्म मिला है, ये हम भूल जाते। खैर छोड़िए, नंबर्स की बात करते हैं। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, बहुत लोग परेशान होते हैं,
मैम इधर राहु है इधर शनि है, ये क्या करेगा, ये तो हमें बहुत दुख देने वाला है, ये तो बहुत ही खराब नंबर है। आज मैं आप लोगों को एक चीज और कहती हूं, जब भी ऐसे स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस आपकी लाइफ में आते हैं, ये है स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, लेकिन 8 और 4 के मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो भी तो 8 और 4 के हैं। अब लाइफ में स्ट्रगल तो उनकी भी है, क्यों नहीं है, इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं तो लाइफ में स्ट्रगल तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप 8 और 4 के हैं तो आप बिल्कुल जो है वो खराब हो गया सब कुछ। आपको जो अपनी लाइफ में यूज करना है, जो आज मैं आपको बताने आई, ये तो हो गए आपके कुछ कुछ बहुत सारे, आपने, मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि अगर मेलिफिक और मेलिफिक है दोनों तो वो स्ट्रगलिंग है, वो आपको परेशान करेंगे। अब आप लोग सब अपने लगा के देख लीजिए, लेकिन इनको ठीक कैसे करना, कैसे हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे हमें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, तो सबसे इजी उपाय होता है मोबाइल नंबर को सेट करना। आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर जो है बस नंबर 1 पे ले आओ, नंबर 6 पे ले आओ, ये कर लो। सबसे पहले तो आप लोग जो अपना मोबाइल नंबर लाएंगे वो एंटी नहीं होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट रूल कि कभी भी एंटी नहीं। अवॉइड करो कि जितने भी मेलिफिक नंबर्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपके मोबाइल में नहीं होने चाहिए, आप बच जाओगे, ठीक है। तो मेलिफिक नंबर्स को अपने मोबाइल में नहीं लेकर आइए, अपने डेट ऑफ बर्थ के एंटी नंबर्स को अपने मोबाइल में नहीं लेकर आइए। आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ भी काम, बहुत आपके लाइफ में बहुत हर्डल्स आ रही हैं, आपको कहते ना 99% काम होते होते हमारा रह गया, तो सूर्य को लेकर आइए। आप लाइफ में क्रिएटिविटी चाहते हैं, आप क्रिएटिव आर्ट से हैं, आप ऑकल्ट साइंस से हैं, ऑकल्ट को मैं बाद में बताती हूँ, पहले क्रिएटिविटी की बात करती हूँ, तो नंबर 2 को लेकर आइए, आर्टिस्ट हैं आप, नंबर 2 को लेकर आइए वहां। आप अगर किसी टीचिंग लाइन में हैं, काउंसलर हैं, रियल स्टेट में हैं, या फिर आप जो है ऑकल्ट साइंस में भी हैं, तो नंबर 3 को लेकर आइए। नंबर 4 को तो मैं कहूंगी नहीं कि लाना है, हम उसको बढ़ाएंगे नहीं कभी भी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप मार्केटिंग में हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप नंबर 5 को लेकर आइए। ये मैं, और चलिए पहले मैं ये बात पूरी कर लूं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप किसी ज्वेलरी बिजनेस में, किसी आप जो है किसी पार्लर चलाते हैं, बुटीक चलाते हैं, ट्रेवल एजेंसी है, या कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, आप फॉरेन जाकर कुछ करना चाहते हैं, यहाँ तक कि स्टडीज भी करना चाहते हैं, तो नंबर 6 को लेकर आए। होटल बिजनेस है, ठीक है, तो कोई भी क्रिएटिविटी, आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप नंबर 6 को लेकर आइए। अगर आप जो है डीप रिसर्च करना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो नंबर 7 ला सकते हैं, लेकिन 1 टाइम, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी उसके एंटी नंबर के। वैसे नंबर 7 के बहुत ज्यादा कुछ एंटी नहीं होते, 8 के साथ मत लेकर आइए उसको, बाकी चल जाते, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 8 को तो मैं मोबाइल में मना कर देती हूँ, मत लाइए आप। नंबर 9 ला सकते हैं अगर आप में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 नहीं है, अगर आप में अग्रेशन की कमी है, अगर आपको नेम फेम नहीं मिलता, ठीक है, आप होटल इंडस्ट्री में हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, तो नंबर 9 एक्शन का नंबर होता है, आपकी लाइफ में सुस्ती है, एक्शन की कमी है, तो बस नंबर 9 को लेकर आइए। अब ये नंबर लाने कितनी बार है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नंबर्स जो है आपको 2 बार से ज्यादा कोई भी नंबर मत लेकर आइए, 1 और 9 को छोड़कर। 1 और 9 ऐसे नंबर है, ये आप जरूर ज्यादा ला सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी कोई भी नंबर 2 टाइम से ऊपर आपको मोबाइल में नहीं रखने चाहिए, तो बेस्ट होता है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन, जब भी हम लाइफ में स्ट्रगल देख रहे होते हैं।
देन उसके बाद बारी आती है हमारी नेम नंबर। अपना नेम नंबर, वैसे मैं आप लोगों को हमेशा ये गाइड करूंगी कि आप जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाना चाहें, लेकिन अपना नेम नंबर जो है वो अपने आप सेट मत करिए, हमेशा किसी के अंडर सेट करिए। क्या होता है कि नेम न्यूमरोलॉजी इतनी नहीं है कि आपने एक कंपाउंड नंबर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर अपना नेम रख लिया। जो आप लोग, जैसे अभी मैं किसी का भी नाम यहाँ पर देख रही हूँ, अगर वो सेट करें तो कई बार हम ए के साथ डबल ए कर देते हैं, ए के साथ आई कर देते हैं, कभी हम यू के साथ डबल यू कर देते हैं। इन नंबर्स का भी पूरा इफेक्ट होता है। नेम न्यूमरोलॉजी का चैप्टर मेरा 2 से 3 दिन तक जाता है, तो इतना सा छोटा सा चैप्टर नहीं है कि आपने नंबर जो है 163 या उस पे सेट कर दिया अच्छे नंबर पे, ये इतना सा चैप्टर नहीं है। तो इसको तो आपको किसी, जरूर आप लोग जो है, अच्छा एक मेरे से किसी ने पूछा है कि मोबाइल नंबर में कौन सा नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट तो मैं यही कहूंगी कि 7 नंबर को आप रिपीट नहीं करेंगे, 4 और 8 को मोबाइल में अवॉइड कर दीजिए अगर आप घर बैठ के सेट कर रहे हैं तो। नहीं तो हम लोग जो सेट करते हैं वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देख के करते हैं, ठीक है। और बाकी नंबर 2 टाइम्स लेकर आइए, यही मैं आप लोग को कहूंगी। उसके बाद होती है बहुत सारी रेमेडीज, क्रिस्टल्स बहनाते हैं, ये सब चीजें रेमेडीज। आप लोगों को नंबर देख के बताया जाता है आप लोगों को कि कैसे नंबर्स को हमने, कौन से नंबर आपके बहुत ही चार्ट में पावरफुल हैं और उन नंबर्स को आपने कैसे लेकर चलना है। अब जब हम इतनी सारी बात करते हैं तो एक ही बात आती है कि कम से कम न्यूमरोलॉजी की बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। मानते हैं आप लोगों की नहीं? अब आप लोग पता है क्या कहते हो कि हमने इतने वीडियोस देखे, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैम एडवांस कोर्स ही ज्वाइन करेंगे, हमने इतने वीडियोस देखे हैं कि हमें बेसिक नॉलेज। अब वीडियोस देख देख के जो बेसिक नॉलेज लेते हो वो हम इतना सा बताते हैं, सिर्फ सिर्फ इतना सा। अगर सोचो कि बेसिक कोर्स है कोई तो उसमें भी हम मुश्किल से 25% आपको वीडियोस में बताते हैं, जिससे आप कहते हो कि हम वीडियोस देख देख के बहुत सारी नॉलेज ले ली, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप लोगों को अपने लिए अगर न्यूमरोलॉजी सिर्फ सीखनी है तो कम से कम आपको बेसिक कोर्स जरूर करना चाहिए। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो बेसिक कोर्स आज तक मैं 6000 में कराती थी, वो बेसिक कोर्स सिर्फ और सिर्फ जो लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ उनके लिए 3100 में। आप लोग चाहें तो 6 फेब से मेरा बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आप मेरा वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ जो मेरे आज आप लोगों ने अटेंड किया है ये उन लोगों के लिए है जो 6 फरवरी को इनरोल करेगा, उसके लिए बेसिक कोर्स जो है वो आप लोगों को सिर्फ 3100 में करेंगे, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को मैं ग्रुप में दे दूंगी, जैसे कि बेसिक कोर्स जो मेरा है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा वो ये है, ठीक। आप लोगों को लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाए, काफी लोगों को आता है, वो कहेंगे हमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 to 9 नंबर्स की क्वालिटीज क्या होती, 8 प्लेन्स क्या होते हैं, उनको कैसे रीड किया जाता है और उनसे कैसे प्रिडिक्शंस की जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1-2 कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे मैंने थोड़े से बता दिए वो 1-2 कॉम्बिनेशन, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर से आप इतना कुछ जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज मिस हो गई है, कोई चीज हमारी जिंदगी से चली गई है, उसको कैसे हम अपने लाइफ में एंटर करें। रिपीटेशन ऑफ नंबर, कोई नंबर आपके पास बहुत ज्यादा है, कोई नंबर आपके पास 1 टाइम है, कोई नंबर आपके पास 5 टाइम है, तो क्या कहता है ये नंबर इसके बारे में। और प्रोफेशन, जो कि मैंने कहा अभी आपको कि हमें करियर बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, छोटे छोटे बच्चे हैं आप हर एक घर में, उनको कौन सा प्रोफेशन में किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो और साथ में लास्ट में
कि एक लोशो ग्रिड को कैसे रीड किया जाता है और कैसे अपने क्लाइंट से उनको सब कुछ बताता बताया जाता है। कैसे आप बताते हैं क्लाइंट के बारे में कि वो क्या है, उसको कैसे जो है आगे लाइफ को लीड करना है, कैसे कॉम्बिनेशंस को यूज करना है, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ 3100 फीस में आप लोग सीख सकते हैं। तो जो भी मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कोर्स के बाद कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड कोर्स मेरा स्टार्ट होगा, जैसे ही ये होगा तो वो जो है वो कोर्स मेरा एडवांस कोर्स है, जो लोग चाहें वो आगे एडवांस में जा सकते हैं। और थर्ड कोर्स मेरा एक चैंपियन कोर्स के नाम से है, सब सिलेबस इसमें लिखा हुआ है, आप लोग जो है ये आपके सामने आ जाएगा, आपके ग्रुप में आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। भाविन कोई है, उन्होंने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी भाविन, मैम थोड़ा नेम न्यूरोलॉजी पे जानना था। हाँ बताइए भाविन। काफी लोग हैं जो गलत तरीके से नेम न्यूरोलॉजी सिखाते हैं, आप कौन से तरीके से सिखाने वाले वो जानना था मैम। देखिए बिल्कुल बिल्कुल भाविन ने जो पूछा है उसका आंसर मैं ये दूंगी कि कुछ लोग होते हैं वो उनको ना छोटे छोटे कोर्सेस करने होते हैं, सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सीखनी है, सिर्फ हमें 81 कॉम्बिनेशंस ही सीखने हैं, या बहुत सारे, ये मैं सब आपके ग्रुप में डाल दूंगी। तो वन वन डे के या टू टू डेज के आपके छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं जो मैं हमेशा करवाती हुई आती हूँ। तो भाविन आपका मैं जवाब देती हूँ, कलेडियन न्यूमरोलॉजी के थ्रू नेम न्यूमरोलॉजी उसका हम रीड करते हैं, ये मतलब कि हम नंबर्स को रीड करते हैं, ठीक है, नेम नंबर्स को। लेकिन जो मैं सिखाती हूँ वो वैदिक प्लस सिखाती हूँ, उसमें वैदिक का बहुत बड़ा नाम है। जब हम, हाँ जब भाविन मैं आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ कि जब मैं नेम न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ तो सबसे पहले हर अल्फाबेट की क्वालिटी को हम सिखाते हैं कि हर अल्फाबेट कहता क्या है। उसके बाद हर अल्फाबेट के साथ अगर कोई और अल्फाबेट हम ऐड करते हैं तो वो क्या कहता है। देन नेक्स्ट जो होता है 108 कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने नेम का टोटल किया, नेम नंबर आया 35 पे, तो 35 हमारा कंपाउंड नंबर है, देन उसको प्लस करते हैं तो 8 बनता है, तो वो 1 से लेकर 108 तक के कंपाउंड नंबर। उसके बाद वॉवल्स क्या इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, नंबर्स और जो कॉन्सोनेंट है वो कितने होने चाहिए, ये सब मिलाकर तब जाकर ये बनती है नेम न्यूमरोलॉजी। तो ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। क्लियर भाविन? मैम एक बात बोलना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए भाविन, म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए भाविन। मैम यहाँ पे है ना एक बात बताना चाहूंगा कि नेम न्यूमरोलॉजी है तो उसमें मैंने काफी रिसर्च की है, इसलिए मैं बोलूंगा कि जो आपका होरोस्कोप, आपका जो होरोस्कोप बनता है ना एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा नेम का भी एक होरोस्कोप बनेगा आपका, उसमें आपके अल्फाबेट प्लेसमेंट होंगे, फिर आपकी जो नेम के हर अल्फाबेट होते हैं ना उनकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे कि आपका नेम है रीना, एन ए आया, तो एन ए का फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहेगा और ए एन का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, और फ्रीक्वेंसी जो है आप जो बात कर रहे हो भाविन वो क्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हो। मैम क्रोनोलॉजी तो ठीक है, बट आप जो आपने वोवल और कॉन्सोनेंट को भी देखा है ना, तो वोवल और कॉन्सोनेंट भी जो कैसे लेना है, उसमें जो आपने नौ तारा चक्र अपने एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा, तो नौ तारा चक्र में वो तीन तीन नक्षत्रों को डिवाइड किया है, तो तीन तीन नक्षत्र है तो उनके फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नक्षत्र कौन है वो देखेंगे, और उसके भी एक एक अल्फाबेट होते हैं, क्योंकि जो हम ये एक मिनट भावन, एक मिनट, आप जितनी लंबी बात कर रहे हैं ना उसको मैं बहुत छोटे से उसमें बता देती हूँ कि जब हम एक एक अल्फाबेट की क्वालिटी सीख लेते हैं और उनकी मैचिंग सीख लेते हैं तो वही तो चीज है जो सब बता रहे हो आप, समझ में आ रही है भाविन? तो यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर बैठ जाऊंगी तो ये लोग सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। आप नेम ने, हाँ रेवा कुछ बोलना चाह रही है, हाँ बताइए रेवा। मैं यहाँ पर हर स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि मैं रीना खन्ना मैम से ही क्रोनोलॉजी का चैंपियन कोर्स किया हुआ है, और आप एक बार आकर देखो और तभी आप क्वेश्चन ये पुट अप करना कि आपको किस चीज की कमी मिली है,
मैडम इसमें जी जान लगा के आपको मेडिकल का, ये प्रोनोलॉजी का हर चीज सिखाती हैं इसी में। आज हर जगह, हर मतलब कि प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा दाना डाल करके उसको दिया जाता है, मगर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मैम एक ही जगह पर हमें प्रिडिक्शन करनी इतनी अच्छी तरीके से सिखाती हैं कि मार्वलस, कि आप कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। और मैं मैडम के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ, रात को 12 बजे भी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं। हम आज तक मैडम से जब भी अपनी हेल्प के लिए कहते हैं, मैडम हमें अभी तक हमारे ग्रुप बना हुआ है और मैडम 24 आवर्स हमारे लिए, मतलब कि हमें ऐसे समझती है कि हमारे एक फैमिली है, उसमें बच्चे को तकलीफ आई है और उस बच्चे को हमने कैसे मैंने प्रोटेक्ट करना है। कभी मैडम ये नहीं सोचती कि अब टाइम क्या हुआ है, जिस टाइम भी मैडम को टाइम मिलता है हमारा क्वेश्चन का रिप्लाई हमें रात तक भी मिलता है। प्लीज आप इस चीज को, जो सर आप क्वेश्चन जो पुट अप कर रहे हैं, प्लीज आप आइए और पहले यहाँ पर मैडम से जुड़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए कि आपकी क्या कमी रह गई। मैं मैडम के लिए बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ दिल से, क्योंकि मैडम से मैंने थैंक यू रेवा। चैंपियन कोर्स किया हुआ है। थैंक यू हाँ मैम। थैंक यू रेवा, थैंक यू। हाँ प्रेरणा कुछ बोलना चाहती है, बहुत देर से उसने हैंड यस रेस किया मैम, हुआ है। मैं भी सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने भी रीना खन्ना मैम से न्यूमरोलॉजी सीखी है और मैम बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाती हैं। मैम ऑलवेज हमारे साथ रहती हैं, तो जब एक बार आप मैम के अंडर आएंगे, उनसे सीखेंगे, तो आपके आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू प्रेरणा। हाँ एक 1+ लिखा हुआ है, 5 सम, बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ। मैम, हाँ हाँ आप मैम, बोलिए, आपका मैं नाम क्या पूछ है? रही थी कि मेरा नाम प्रियंका है, वो पता नहीं अभी फोन में हाँ वन प्लस हाँ की बात प्रियंका, है। हाँ 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 मैम, मैं बोलिए पूछ रही थी प्रियंका। कि इसका जो कोर्स करेंगे अगर, तो उसका कुछ नोट्स वगैरह मिलेगा, PDF वगैरह कुछ मिलेगा बिल्कुल क्या ऐसा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को साथ साथ में PDF मिलते हैं, साथ साथ में रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहती है, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स, हाँ, ताकि आप ओके लोग फिर, ओके अब मैम। जैसे आपने सीखा है तो ओके आपको एक बार फिर से रिपीट करना है, तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहती है ताकि आप लोग उसको बार बार ओके सुन सकें, ठीक ठीक है? हाँ है। इसमें मैम और कोई एडवांस क्वेश्चन? न्यूमरोलॉजी का मैं पूछ रही थी, हाँ एडवांस न्यूमरोलॉजी का आप प्राइजेस वगैरह आप ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक बिल्कुल करा बिल्कुल, हुआ है ऑलरेडी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं आपको डेट्स बता दूंगी, देन सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा। हाँ ओके। ठीक है, और पर्सनल, और आई एम किसी सो को कुछ सॉरी, पूछना है? पर्सनल पर्सनल हाँ बोलिए। कंसल्टेशन का मैं पूछ रही थी, आई एम सॉरी, पर्सनल कंसल्टेशन का चार्जेस क्या होगा? आप जो है मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम वेबिनार कर अच्छा रहे हैं, ठीक यहाँ है, हम, हाँ श्योर, ठीक थैंक है, हाँ यू। श्योर, हाँ बिल्कुल। सर्टिफिकेट ओम लता ने पूछा है कि मैम सर्टिफिकेट पे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। सर्टिफिकेट के बिना तो कोई वैल्यू ही नहीं है कोर्स करने की। मेरे यहाँ स्टूडेंट शायद एक दो बैठी हैं, मुझे रेवा और प्रेरणा तो हैं, और मैं नहीं जानती कि कौन आया है, लेकिन उनको आप पूछ सकते हैं कि सर्टिफिकेट मैं हमेशा देती हूँ और वो वैलिड है। और आप जो है अपना प्रोफेशनली, रेवा तो बहुत प्रोफेशनली आगे जा चुकी हैं वो मुझे पता है, और मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो कितने एप्स पे भी काम कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से मेरी रेटिंग इतनी अच्छी है कि जैसे ही आप कोर्स करते हैं उसके बाद आपको एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, 1 मिनट में आपको जॉब मिलती है। तो आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनली तो बहुत लोग। कोई और क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी के बारे में? ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी, बाकी न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? मैम, हाँ बोलिए प्रियंका। हाँ मैम, कुछ रेमेडीज, जॉब मिलने के लिए कुछ रेमेडीज वगैरह रहेंगी तो बता सकते हैं? जॉब मिलने के लिए कुछ रेमेडीज बता सकते हैं? चलिए प्रियंका ने तो सबसे वेबिनार में, सबसे कहते हैं ना कि उसने कहा कि मैं यहां से ही निकाल लूं सब कुछ मैम के पास जाने से पहले। हाँ सर, हाँ जी नहीं, काफी टाइम से स्ट्रगल चल रहा है मैम इसके लिए। प्रियंका, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहती हूँ कि आप लोग पहले ये देखिए, अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आपका पर्सनल ईयर, अब यहाँ पर क्या होता है कि हम सिर्फ पर्सनल ईयर की बात करते हैं, जबकि हम, जब मैं कोर्स सिखाती हूँ तो वहां पर मैं पिनेकल, वहां पर मैं जो आपकी महादशा है वो सब चीजें यूज करके हम देखते हैं कि ये साल जो है
क्या सचमुच आपके लिए अच्छा आया है, और आपकी जॉब जो है वो क्या आपने चेंज करनी है या आप क्या करना चाहती हैं जॉब? नहीं मैम, एक्चुअली कुछ इमरजेंसी की वजह से छुट्टी है, पर फिर बाद में और नहीं मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय जो नंबर्स हैं वो उतने सही नहीं बैठे हुए, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिल रही। आपने कोर्स किया हुआ है, पर्सनल ईयर जानती है आपका क्या चल रहा है? मैम एक्चुअली देखो ना, तो हर एक मतलब मैंने जिनसे किया था वहां से मेरा पर्सनल ईयर तो 3 आ रहा है, बट और भी मैंने यूट्यूब में चेक किया ना तो वो कुछ और ईयर बता रहे हैं। बहुत मतलब बड़ी फिर आई एम कंफ्यूज क्या होता है, मैं बताती हूँ वो क्या होता है, फॉलो क्या करना है। हाँ, यूट्यूब में अगर आप चाइनीज न्यूमरोलॉजी करोगे तो उनका पर्सनल ईयर अलग आएगा, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी करोगे तो उनका पर्सनल ईयर अलग आएगा, और आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि अब हम इसको माने या उसको माने। आपने कौन सी न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है? लोशु ग्रिड के थ्रू? लोशु ग्रिड, हाँ लोशु ग्रिड किया हुआ है। तो उसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है आप बताइए मुझे। 3 आ रहा था मुझे, बट वो मुझे उन्होंने ऐसे बताया हुआ था दैट हैज टू बी फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, जो मुझे बताया था ना दैट हैज टू बी फ्रॉम योर मतलब ईयर टू, अभी 2023 चल रहा है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी 4। मेरा अभी अप्रैल 20 आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 अप्रैल 1989। आपने कहा 3 आ रहा है, गलत है, कुछ गलत तो गलत हो गया होगा मैम। हाँ गलत है, 4 आ रहा है, 4 है, हाँ 4 आ रहा है। रेवा इस चीज का जवाब दे सकते हैं, रेवा आप मेरी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप इनको ये बताइए, हाँ आप इनको ये बताइए कि ये साल इनका कैसा जाने वाला है, क्या कॉम्बिनेशन है इनका, क्या बताया आपने? 2 और 6 का कॉम्बिनेशन, 20 अप्रैल 1980। तो आप अपनी कोशिश में लगे रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, और आपको बहुत जल्दी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं बताती हूँ, रेवा ने बिल्कुल सही चीज कही है, उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। पर्सनल डेस्टिनी नंबर जो है आपका 6 है, जो 4 को सपोर्ट करता है, कहते ना गुरु और शिष्य के, राहु जो है वो ईयर पे आया है, लेकिन राहु जब भी ईयर पे आया तो वो हाथ में परोस के चीज नहीं देगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत आपको करनी है, हार्ड वर्क, मेहनत क्या करनी है कि जहां रिज्यूमे डालते रहना है, पूरा अपना ध्यान रखना है, पूरा वो करना है, और रेमेडीज भी करनी है। अब रेमेडी क्या करनी है? आपने पूछा है तो बताऊंगी जरूर, ठीक है। रेमेडी जो आपको करनी है, नंबर 4 पे आपका ईयर आया है, तो आपने क्या करना है कि सैटरडे वाले दिन 4 नारियल लेने हैं, ठीक है, पूरे अखे जो हम चढ़ाते हैं नारियल जाके, जटा वाले नारियल होते हैं वो, 4 नारियल लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, ठीक, और उसको नदी में प्रवाहित कराइए। आप फिर मुझे पर्सनल लिख के बताना, मैं खुद ही करो तो अच्छा है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी को दे दो कि वो प्रवाहित कर दे। वैसे आप खुद करोगे एक ही बार करना है, एक ही बार पॉलीबॉय बैग में डालिए, एक ही बार 4 नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, 4 बार सैटरडे के दिन आप प्रवाहित कर दीजिए। चलिए ये आपकी टिप थी, ठीक है मैडम, आप देखिए इससे आपको फायदा भी होगा और आप मुझे वापस आकर बोलोगे कि मेरी जॉब लग गई है, बहुत जल्दी बोलोगे, ठीक है। चलिए अनुराधा ने हाथ किया, खड़ा किया है, बताइए अनुराधा। हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा और क्लियर बोलिए। हाँ मैम, आप तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, और मैंने आपका एक वीडियो देखा था मैम, फ्लैट नंबर के लिए, मतलब आपका नंबर कैसे लकी हो सकता है इसके बारे में। तो मेरा घर नंबर D1004 है, D1 फॉर दिल्ली 1004, ठीक है। तो जिनके नाम से है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, ओनर की। 6th May 1980
मतलब ये घर हमारे दोनों के नाम पे है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको वो फर्स्ट ओनर का नाम मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अब मैं आपको एक चीज कहती हूँ, देखिए और भी क्वेश्चंस ले लूंगी तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कि आपको हाँ, एक चीज तो मैम मुझे प्रॉब्लम क्या है, ये घर में जब से मैं रहने को आई हूँ ना तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं और पैसा नहीं रहा है ये इस घर में। तो आपने बोला था टोटल 4 आए तो सर्कल कर देना 4 को, तो इसमें भी हम 4 को सर्कल कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। ओके, 1004 बोला है आपने तो टोटल 4 नहीं माना जाएगा, डी को भी काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आप जो है अगर अपनी जो बाहर नेम प्लेट लगाई है ना उसमें डी को हटा दीजिए, सिर्फ 1004 को लगा रहने दीजिए। ओके, आपके मकान की वाइब्रेशन, आपके फ्लैट की वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी। ओके, मतलब सर्कल करने की जरूरत नहीं है? नहीं है, ठीक है। पर मैम मुझे और एक था, आपने बोला था डी काउंट अगर आप अपने नेम प्लेट के नीचे एड्रेस लिखते हैं D1004 तो डी काउंट होगा, होगा ठीक है। हाँ चलिए, परुला आप कुछ पूछना चाहती है? यस मैम, पहले तो थैंक यू मैम, मेरा ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 है, तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है मेरा। और मैंने अभी फिलहाल इस न्यूमरोलॉजी में न्यू ही हूँ मैं, तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर 3 मंथ से चेंज किया है, जो 57 के कंपाउंड से 3 पे आता है, कंपाउंड 57 से 3 पे आता है। बट मैम ये सारे नंबर मोबाइल नंबर के 10 डिजिट में लास्ट में मैंने 555 लिया है ना, फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे में लेजीनेस आ गया है, तो ये मेरे लिए सुटेबल तो है ना? 1-2 का कम्युनिकेशन एंटी तो नहीं है 3 और लेकिन एंटी नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। एक 57 कंपाउंड नंबर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। 57 आपको एकदम राइज देगा फिर एकदम डाउन कर देगा, तो वो कंपाउंड नंबर, यही नॉलेज होनी, यही मैं कहती हूँ कि अपने आप जब आप लोग करते हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती है, किसी का तो हिट कर जाएगा किसी को प्रॉब्लम। फिर आप क्या कहते हो कि हमने किया चीज वो वेबिनार में देखा था बट हमें रिजल्ट्स नहीं आए, ये सब बेकार की चीजें, बेकार की चीजें नहीं होती, नॉलेज पूरी होनी बहुत जरूरी है। हमने तो मैम ऐसे आपको पता है 2-1 का कॉम्बिनेशन मेरा भी है परुला, तो बस अच्छी लाइफ है, आप भी अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, साईं बाबा की कृपा आपके ऊपर है। थोड़ा सा मोबाइल नंबर जो है वो एक बार आप मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, आप मुझे पर्सनल भेज देना, मैं देखूंगी। हाँ मैं देखूंगी क्या इसमें। और मैम एक क्वेश्चन और है, आप वो कहते हैं ना कि मास्टर कोर्स आपका न्यूमरोलॉजी का बेसिक तो मैंने ऑलरेडी कहाँ से भी कर लिया है, कोई बात नहीं। हाँ। उसकी क्या फीस है और वो सब दे? मैं आपको ग्रुप में सारा सिलेबस और सारी फीस आपको भेजूंगी, ठीक है, तो वहां से आप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। खुशबू, खुशबू कुछ पूछना चाह रही, बहुत देर से खुशबू ने हाथ हैंड रेस किया हुआ है। हाँ खुशबू अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम, थैंक यू मैम, मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1983। 2020 से मैम बहुत परेशान है। ओके मैम, मतलब थक चुके हैं हर तरह से, थक चुके हैं। जो आप फंस चुके हैं वो अभी अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूं आपको तो अभी भी ये साल थोड़ा सा आपको कुछ रिजल्ट देगा लेकिन बहुत अच्छे नहीं देगा। ओके मैम, हाँ जी। तो अब आपको इसके लिए जो करना है वो ये कि जितना हो सके सैटरडे वाले दिन काली चीजों का दान दो। काली चीजें कोई भी हो सकती हैं, वो आपके जो है वो दाल हो सकती है आपके लिए, कोई काले शॉल हो सकती है, कोई काला कंबल हो सकता है, कोई काले सरसों का तेल हो सकता है, शनि के जितने भी दान हैं आपको बहुत जरूरी देने, बहुत जरूरी देने, ठीक है मैम। मतलब हमारे इस वक्त क्या कंडीशन है, सही चीजें खराब हो रही है, नई चीजें ऑर्डर कर रही हूँ वो खराब आ रही है, मतलब एक
मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। एक बार जो मैंने नारियल वाला उपाय बताया था, हाँ जी, इसको प्रियंका को शायद, हाँ तो आप वो भी कर लीजिए, एक बार वो जरूर कर लीजिए, ठीक है मैम। पर हमारे यहाँ समुंदर है, नदी नहीं है। कोई बात नहीं, किसी को दान कर दीजिए। अगर कोई नदी में नहीं प्रवाहित कर सकता, वैसे बेस्ट होता है नदी में प्रवाहित करना, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप किसी को दान भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ ओमलता आप बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, मैम मेरा एक मतलब कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना है। अभी अभी किसी ने बताया था अपना पर्सनल ईयर 3 पर, तो उनका जैसे बर्थडे अप्रैल में आएगा, तो उसके बाद उनका पर्सनल ईयर 4 चलेगा ना, स्टार्ट होगा या फिर अभी होगा। यस, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए जब हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी की जब लोशो ग्रिड हम सीखते हैं और उसकी बात करते हैं, तो उनका जो नया साल है वो 5 फरवरी से शुरू होता है, ठीक है। ठीक, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि फेब के बाद आपका ईयर नया शुरू, तब से आप काउंट करना शुरू कीजिए। तो अब तो 5 फरवरी आने ही वाला है, तो इनका हम पर्सनल ईयर 4, क्योंकि आगे जो लीड करेंगे ये पर्सनल ईयर 4 ही लीड करेंगे, ठीक है ना। तो हम वही मानेंगे, मुझे यही था कि इनके बर्थडे की चले। हाँ जी, आप बर्थडे जो है, अब क्या होता है कि जिसका दिसंबर में बर्थडे आ रहा है और पर्सनल ईयर तो स्टार्ट हो गया आपका, तो थोड़े से रिजल्ट उनको उस ईयर के थोड़े से बाद में आ सकते हैं, ये जरूर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन वैसे पर्सनल ईयर 4 जो है लोशो ग्रिड के हिसाब से हम फेब के बाद मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है मैम, ये कंफ्यूजन था। जेसिका, यस मैम, मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ 17/4/1791। मैम आई वांट टू आस्क अबाउट माय करियर, व्हिच फील्ड आई विल बी बेस्ट। आपका इस समय क्या करियर करते क्या हैं आप? मैं पहले बैंक से जॉब करती था, वो मुझे सुटेबल नहीं हुआ इसलिए मैंने जॉब को छोड़ा था। वो फिक्स टाइमिंग ना, आई कांट डू दैट। ओके, अभी तो ये साल आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा। आप जितना मतलब चाहते हैं ना कि जो मुझे जॉब मिल जाए, जैसी मिल जाए, तो अभी तो ये ईयर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देकर जाएगा। 8 नंबर की आप हैं, पर्सनल ईयर जो है 1 पे आया है, कहीं ना कहीं एंटी आया है, तो इस ईयर जो है वो थोड़ी स्ट्रगल रहेगी आपको, ठीक है। तो क्योंकि आप नंबर 8 और 5 की है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि शनि देव के दान कीजिए, जितने कर सकते हैं जरूर कीजिए, ताकि उनके इफेक्ट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर करियर के हिसाब से आपका अच्छा आ रहा है, थोड़ा एक साल है, लेकिन आप अगर दान करते हैं, कुछ करते हैं, उसका फायदा बहुत होता है। बाकी आप डिटेल में अगर पूछना चाहेंगी तो फिर मैं आपको पर्सनल बता सकती हूँ, यहाँ नहीं, ठीक है। तो चलिए साई, रवि आप बोलिए। रवि जाती, हाँ बोलिए। हाँ मैम, हाँ गुड इवनिंग मैम, आपका कोर्स किया था मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी का लास्ट कोर्स जो हुआ था। न्यूमरोलॉजी नहीं, आप कोई वन डे कोर्स, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, हाँ याद है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं पूछा था, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1982। रवि, ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ बैठ के मैं एक मिनट में बता दूं कि आपका फ्यूचर क्या रहेगा। हाँ, पर्टिकुलर इस साल के लिए कोई क्वेश्चन हो आप पूछिए, क्योंकि यहाँ मैं अगर डेट ऑफ बर्थ ऐसे रीड करने बैठ गई कि अब आपका आने वाले चीजें क्या है, क्या एक एक चीज, तो वो बहुत मुश्किल है सबके लिए। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो? हाँ
मैम मैं अभी मेरा काम में मेरा एक तो ब्रेन का ये करना चाह रहा था, तो ये साल अच्छा रहेगा क्या उसके लिए? किसका करना चाह रहे? मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है कोई काम में। ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे ये साल? चलिए बताती हूँ। कौन सा मंथ सबसे बेटर रहेगा मैम इस साल में? ठीक है, देखिए पहली बात तो ये साल आ गया है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आने के लिए, ठीक है। आप जो भी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं इस साल कर सकते हैं। और जहां तक मंथ की बात है तो एक तो मार्च, और मार्च से भी बेटर मई आपके लिए बहुत अच्छा है। मई मंथ, ठीक है मैम। नहीं मैं नहीं, मैं नहीं, एक मिनट, एक तो मार्च है, जुलाई, जुलाई जुलाई के बाद लिख लीजिए आप, मार्च जुलाई एंड फिर उसके बाद सितंबर। मार्च जुलाई एंड सितंबर, हाँ, सितंबर, ये तीन मंथ आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ चलिए आज का वेबिनार मैं यहीं पे जो है वो खत्म करना चाहती हूँ। नेक्स्ट बहुत जल्दी अगले मंथ मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है, बहुत कुछ। अगर आप लोगों को कोई भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो ये नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पर, और ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। मेरे से पर्सनली जो मेरे फोन नंबर दिए हुए हैं उस पे बात कर सकते हैं आप लोगों को। इसी तरह मेरे साथ हमेशा बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने अगली बार मैं फिर आऊंगी, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने आऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप लोग मेरे वहां पर भी जा सकते हैं, मेरे वेबसाइट है उसका भी लिंक दिया हुआ है इसमें, तो आप वहां पर जाकर भी काफी कुछ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले महीने। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम।